तो का हाल बा भाई लो? मतलब 1 मिलियन कंप्लीट हो गया, आपको कैसा लग रहा भैया? तो जे जे आसाम से बा, जो जो आसाम से है भाई के चैनल को सपोर्ट करो यार, क्योंकि मेरा पड़ोसी है। तो गाइस आज बहुत ही मजेदार धासु वाला ब्लॉग वीडियो लेके आया हूँ, जो वर्ल्ड का नंबर 1 भोजपुरी रोस्टर केजी भैया, जिनके साथ स्पेशली मैं और वर्मा ब्लॉग्स मीट करने जा रहा हूँ। सो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। तो गाइज ज़्यादा देर नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आपसे ज़्यादा हम एक्साइटेड और हमसे ज़्यादा आप एक्साइटेड, ये चलते हैं। लोकेशन के हिसाब से ठीक नियर बाय होना चाहिए। फाइनली पहुंच गया हूँ, तो ये होंगे शायद हम फाइनली पहुंच चुके हैं वर्मा भैया के घर में, और एक बार देखता हूँ यह है कि नहीं है, ले चलते हैं एक बार देखता हूँ। वर्मा भैया घर पे है क्या? आपका फैंस आ गया मैं घूमने के लिए, थोड़ा आपसे वेट कर लिया, वीडियो कर रहा हूँ थोड़ा। अच्छा है क्या? हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम अजय वर्मा है और बहुत दिन बाद आज भैया से भेंट हुआ है। अभी तक तो फोन पे ही बात होता था, अभी रियलिटी देखा हो गया तो अच्छा लगा आपसे मिलके। और आइए घर पे बैठिए, उसके बाद बातचीत करते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग कहीं, जाएंगे क्रेजी भैया के घर जाएंगे, और भैया से भी क्रेजी भैया से भी आपको मिलाएंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और भी आपको कुछ आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अभी बहुत सारा बाकी है ना, देखते हैं वर्मा भैया का घर है, और थोड़ा उनको थोड़ा लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा पूछताछ करते हैं। ये स्पेशली वर्मा भैया का रूम है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं रहता हूँ। तो फाइनली भाई लोग हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं, हम लोग यानी कि मैं रेडी हो चुका हूँ, और भैया भी तो पहले से रेडी है। तो अभी जाएंगे हम लोग क्रेजी भैया के घर, और जाते वक्त जितना सारा भी नज़ारा है हम लोग आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं क्रेजी भैया के घर, आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके पास, अभी उनसे मीट कर वेट करने जा रहा हूँ, तो चलिए चलते। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं क्रेजी भैया, क्रेजी नंबर 1 भैया अभी आ गए और आपसे वेट करने वाले हैं, हम उनसे वेट करने वाले हैं। देखते हाई कर दो एक बार हाई कर दीजिए क्रेजी भैया। तो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं भैया के पास, और भैया से थोड़ा मीट करना चाहेंगे, आपसे भी मीट कराएंगे। तो भैया मुझे अपना ब्लॉग पे भैया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमारा सब्सक्राइबर को कुछ बता दीजिएगा भाई। सबसे पहले तो हाय हेलो सबको, और भैया आए हैं बहुत दूर से, भाई इतनी बड़े तरह कॉल करते हैं, ठीक है भैया। हाँ मेरा एक दोस्त है झन जी नाम का, तो बस 3-4 लाख सब्सक्राइबर है, तो वही कॉल किए थे। तो अभी चलते हैं स्टूडियो में, थोड़ा बहुत खातिरदारी करते हैं आपका और हमारा जो मित्र है वर्मा ब्लॉग का। तो गाइस आइए, उनका थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में कुछ सुनते हैं, उनके बारे में जाके अंदर, तो उनका स्टूडियो के अंदर जाते हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ पर आप जाइए, और यहाँ पे देख सकते हैं क्रेजी भैया, क्रेजी नंबर 1 भैया। तो अंदर जाके मैं थोड़ा आपका उनका लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। चलिए वर्मा भैया, पहले आप चले भैया का कैमरा, तो इन्हों है क्रेजी नंबर 1 भैया का कैमरा मैन। आज ही मतलब फर्स्ट चैनल आज खोले हैं, क्या नाम है क्रेजी ब्लॉग का? नाम हसी ब्लॉग। तो भैया का चैनल का नाम है हसी ब्लॉग, आप लोग एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, और कैसा लग रहा है बताइएगा। भैया ही उनको वहाँ दिखाइए, ये भैया का कैमरामैन है, ये हसीब भैया। तो बस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। भैया कुछ बोल देना, कुछ बोल दीजिए हमारा वीडियो में जारी शाम तक बना लिया, वीडियो आज को बहुत मजा आया वाला, जारी शाम तक जरूर देखिए। जो भी क्रेजी भैया के सब्सक्राइबर है उनका एक ही सवाल होता है कि भैया का कैमरामैन कौन है, तो आज फाइनली हम दिखा दिया, वो भी मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए चलते हैं अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर भैया को ऑलरेडी सिल्वर प्ले बटन मिल गया, 2 और भी गोल्ड प्ले बटन आने वाला है। यहाँ पर प्रोजेक्टर है, और उनके पास DSLR कैमरा भी है अच्छा वाला, देख सकते हैं उनका लाइफस्टाइल। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं भैया बहुत ही मतलब बिजी है, हमेशा बिजी रहते हैं उन्होंने काम में, कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते हैं भैया। दोनों भैया साथ में है, क्रेजी नंबर 1 भैया और वर्मा ब्लॉग्स भैया दोनों साथ में है, दोनों डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा बिजी है उन्होंने, स्पेशली इस चैनल को लेके।
आपको थोड़ा दिखाता हूँ। क्रेजी, आप लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बताइएगा हमारे दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को। सो है गाइस, एक्चुअली मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है क्रेजी नंबर वन, अभी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, इस पर 1 मिलियन हुआ है रिसेंट में। और मैं भोजपुरी में कंटेंट क्रिएट करता हूँ और लोगों को अच्छा लगता है, और बस एक छोटा सा गांव में रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ अपने कंटेंट से लोगों को हंसाने के लिए। सो यही मेरा काम है। और भाई बहुत दूर से मिलने के लिए आए तो इनको बहुत बहुत थैंक्स, और भाई और बहुत भाई से मिलकर बहुत मुझे अच्छा लगा, और आगे भी मिलते रहेंगे हम लोग। और दोस्तों मैं आप लोग को कुछ बता देना चाहता हूँ कि क्रेजी भैया जो है पूरा वर्ल्ड में भोजपुरी का नंबर वन रोस्टर पे आते हैं ना भैया। जी जी, वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड में भोजपुरी इंडस्ट्री के बात बोल रहा हूँ, भोजपुरी समाज में। हाँ, भोजपुरी का जो जितना भी भोजपुरी बोलने वाले हैं, हाँ, मतलब वर्ल्ड में, मतलब जहाँ तक विश्व है, सबसे भोजपुरी रोस्टर कैटेगरी का बात बोल रहा हूँ उसमें नंबर वन पे मेरा चैनल है। एक नंबर पे भैया आते हैं, मैं आता हूँ रोस्टिंग कैटेगरी में। रोस्टिंग कैटेगरी में अगर आसाम में बोला जाए तो अभी आसाम में मैं सब लैंग्वेज का मिलाकर 3 नंबर पे मेरा नाम है। अभी 1 नंबर पे मोहम्मद मुस्ताफिजुर रहमान कुछ ऐसा है, सेकंड में डिम्पू बरुआ, थर्ड में मेरा क्रेजी नंबर वन। नहीं, अभी फोर्थ हो गया, ये बी बॉय है ना, बी बॉय मेरे को क्रॉस कर दिया इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर, टेक ओवर कर लिया, नहीं तो उससे पहले मेरा हो जाता। भैया से थोड़ा बैठ के थोड़ा एक दो सवाल करूंगा, देखता हूँ भैया क्या जवाब देते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम देख सकते हैं यहाँ पे हम क्रेजी नंबर वन भैया के पास है अभी, मतलब उनसे कुछ एक दो, हम ज़्यादा नहीं, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लेना चाहेंगे उनसे। तो भैया आप ये मतलब 1 मिलियन कंप्लीट हो गया, आपको कैसा लग रहा भैया? अच्छा लग रहा है यार, और कभी सोचा नहीं था 1 मिलियन मेरा होगा। जब यूट्यूब पर आया था तो सोचा था कि 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा ऑडियंस का प्यार है तो बहुत खुशी, अंदर से बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ। तो भैया मेरा चैनल तो अभी तो मतलब मोनेटाइज नहीं हुआ, मतलब आपका 2 शब्द ही मेरा चैनल को मोनेटाइज कर देगा, आप थोड़ा हमारा दर्शकों को बताइए थोड़ा, मतलब देखिए ये तो मतलब कहीं से इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा 2 शब्द से हो जाएगा। हाँ, सबसे इसमें आपका योगदान देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, वीडियो अच्छा अच्छा बनाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा जगह पर जाना पड़ेगा। एक्चुअली जैसे कि आप ब्लॉगर हो तो ब्लॉगिंग का मतलब जो ब्लॉगर लोग होते हैं उनका दूर दूर जाना पड़ता है, और मेरा बात रहा मेरा कि मेरा 2 शब्द से चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मतलब जे आसाम से बा, जो जो आसाम से है भाई के चैनल का सपोर्ट करो यार, क्योंकि मेरा पड़ोसी है और मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, और अगर भाई का अगर 1000-2000 नहीं होगा तो लोग मेरे को बोलेंगे कि साला क्रेजी का गांव का एक बंदा है, उसका चैनल बढ़ ही नहीं रहा है। तो भाई को सपोर्ट करो, चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, भाई का जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जो भी होता है कर दिया करो यार, क्योंकि भाई बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं और बहुत दूर से मेरे से मिलने के लिए आए हैं। जी बहुत थैंक यू सो मच भैया, मतलब मैं आपका चैनल हर एक वीडियो में देखता हूँ, मतलब रोस्टिंग में है ना बहुत फन लगता है, और कॉमेडी भी लगता है और एंजॉयमेंट भी लगता है भोजपुरी समझ में। हाँ, तो मुझे तो भोजपुरी आता है, आप लोगों को आता नहीं आता अगर कमेंट कर दे। तो भैया जी चैनल पे इंट्रो कैसे डालते हैं वो सब मैं पूछना चाहूँगा, पर उनका लैंग्वेज जो भोजपुरी है स्पेशली, वो लैंग्वेज से हम सुनना चाहते हैं, और साथ में हमारे सब्सक्राइबर्स भी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करना भाई कैसा हुआ है। मेरा जो मैं वीडियो जब स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग का पहले मेरा कुछ भोजपुरी में बताएं। हाँ, भोजपुरी में बताऊँगा। मेरा इंट्रो कुछ इस तरह का रहता है, तका हलवा भाई लो, तो ये जो मेरा इंट्रो है ना बहुत मतलब इसी से मेरा मुझे एक पहचान मिला है। लोग कहीं भी देखते हैं तो बोलते हैं भैया तका हलवा भाई लोग, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। भैया मैं जानना चाहता हूँ कि चैनल को जल्द से जल्द कैसे ग्रो करें उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। एक सेकंड, मेरा कॉल आ गया यार, कोई भैया थोड़ा बिजी है थोड़ा, एक सेकंड मेरा फोन कोई कर रहा है। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे कि चैनल कैसे ग्रो करें ना, देखिए मैक्सिमम यूट्यूबर जो है ना वो यही सोचते हैं कि 1-2 वीडियो डालो और चैनल ग्रो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं भी जब यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड किया था तो करीबन 5-6 वीडियो अपलोड किया, उसके बाद मैं सोचा कि मेरा चैनल वायरल क्यों नहीं हो रहा, मेरा वीडियोज़ क्यों नहीं वायरल हो रहा है। उस टाइम मेरा बस एक ही फोकस था, मेरा चैनल को ग्रो करना है और पैसा कमाना है। ठीक है, जब माइंड से मैं निकाला कि मुझे फेमस होना है, पैसा बाद में कमाना है, तब जाकर मेरा चैनल ग्रो हुआ। ठीक है, और चैनल ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना चैनल पर मतलब कंसंट्रेट देना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप दिन भर अपना कोई काम किए 1 घंटा यूट्यूब पर दिए तो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। और कंटेंट जो है होता है ना, जो वीडियोज़ होता है आपको मतलब रेगुलर एक शेड्यूल बना लेना चाहिए, जैसे कि
महीने में आपको 10 वीडियो डालना है तो आपको डालना है, कैसे भी करके डालना है डालना है। ये नहीं कि कभी 7 वीडियो डाला, कभी 6 वीडियो, कभी 5 वीडियो, तो ऐसा नहीं होता है। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो होता है वीडियो का अच्छा से SEO करना। SEO मींस होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का फुल फॉर्म होता है। SEO का मतलब अगर मैं आसान भाषा में बताना चाहूँ तो उसको टाइटल होता है वीडियो का, एक टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, ये सब अच्छा सा लगाना है और मतलब अपना बेस्ट देना है। इस तरीके से अगर आप वर्क करोगे अपना चैनल पर तो चैनल डेफिनेटली ग्रो होगा। और मेरे से आप लिख के ले लीजिए। अब मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि एक दो वीडियो डालकर सोच जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, मतलब गिव अप कर देते हैं कि नहीं चैनल मेरा जो चैनल है ग्रो ही नहीं हो रहा है, मुझे काम ही नहीं करना है। तो ऐसा नहीं करना है। मेरा फर्स्ट जो चैनल मेरा ग्रो हुआ था ना, 86 वीडियो डालने के बाद मेरा 1000 सब्सक्राइबर हुआ था। अब सोचिए मेरे पास कितना पैसन है, लोग नहीं कर पाते हैं। तो बस यही एक मंत्र है, अच्छा से वीडियो डालो और मतलब एक कंसंट्रेट रखो, महीने में शेड्यूल बना लो और अच्छा अच्छा वीडियो डालो। और SEO सबसे अच्छा से मतलब SEO अच्छा से करना चाहिए। बस यही चैनल का एक मतलब मेडिसन है ग्रो करने के लिए। और इससे और लोग बोलते हैं कि पैसा दीजिए मैं आपका चैनल प्रमोशन करके ग्रो कर दूंगा, ऐसा सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक वीडियो में प्रमोशन जो करेगा उसी में 10,000-20,000 व्यूज जाएगा, बाकी वीडियो में ये लग जाएगा 10-20-50 व्यूज जाएगा, तो ऐसा नहीं ग्रो होता है। बस यही है चैनल ग्रो करने का नियम। थैंक यू सो मच मेरे को इतना 2 मिनट टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद KG नंबर 1 भैया को। और आप लोगों को तो बहुत अच्छा लगा होगा आई थिंक, कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।